हे नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु पाराशर और आप देख रहे हैं हिमांशु कोचिंग क्लासेस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं, यदि आप 10th के हैं, 12th के हैं या फिर ग्रेजुएट हो चुके हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखें। बाकी जो देख रहे हैं वो अच्छी बात है, पर ये स्टूडेंट्स ज़रूर देखें इस वीडियो को। अब मैं आपको एक बात बता दूं, NRA CET के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपको अभी आई बटन पे और वीडियो के लास्ट में भी एक वीडियो मिल जाएगा NRA CET पर। और यदि आप चाहते हैं NRA CET पर वीडियो बनाने के लिए तो आप मेरे को बोल सकते हैं कमेंट कॉलम में कि आप यदि नहीं जानते तो आप बता सकते हैं, तो मैं एक पूरा वीडियो बना दूंगा। एक बात, दूसरी बात ये कि राजस्थान, इससे पहले MP मध्य प्रदेश, जी हाँ MP पहला स्टेट था NRA CET को इम्प्लीमेंट करने वाला, मतलब कहने वाला कि मतलब हमारे यहाँ जो भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होंगे वो NRA CET के थ्रू होंगे। तो अब राजस्थान भी मान गया है किस चीज़ के लिए कि 20 एग्ज़ाम, जी हाँ राजस्थान में जो 20 एग्ज़ाम्स होंगे, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब्स देते होंगे वो एग्ज़ाम्स जो होंगे वो किसके थ्रू होंगे, CET के थ्रू। हाँ, CET क्या है, सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा, एक तरीके से मान लीजिए प्री एग्ज़ाम। तो 20 एग्ज़ाम के इकट्ठा एक एग्ज़ाम, मतलब कहने का मतलब ये है कि 20 एग्ज़ाम कि आपको 20 अलग अलग प्री देने होते थे, अब सिर्फ एक प्री देना होगा। मैं बता रहा हूँ आपको, यदि आपको इस वीडियो की ज़रूरत है, NRA CET को आप समझना चाहते हैं तो आप कमेंट कॉलम में कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। बाकी मैंने कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं वो मैं आपको कमेंट कॉलम में दे दूंगा NRA CET पर, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो एक अच्छी न्यूज़ थी कि राजस्थान भी इम्प्लीमेंट करेगा, मतलब अभी की जो राजस्थान में जो वैकेंसी होंगी वो तो पुराने पैटर्न पे ही होंगी, पर अब जो नई वैकेंसीज आएंगी, तो ये आप शायद 2022 में देखने को मिले आपको, तो अब जो नई वैकेंसीज आएंगी वो किसके थ्रू होंगी, CET के थ्रू, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू होंगी। तो वहाँ पे ऐसे 20 एग्ज़ाम्स हैं जो किसके थ्रू होंगे, राजस्थान में CET के थ्रू होंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए, ये 10th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, 12th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और ग्रेजुएट पर्सन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।